दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। बीजेपी ने भगवान दास सबनानी को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को टिकट दी है। भगवान दास सबनानी के लिए ये सीट नई है, पर पीसी शर्मा यहां से सिटिंग एमएलए हैं। उनका कहना है कि इस बार फिर से वो जनता के सामने अपने 5 सालों में किए गए कामों को लेकर जाएंगे। विकास के तमाम कार्य उन्होंने अपने इस कार्यकाल में किए हैं। सड़क, बिजली, पानी से लेकर व्यापारियों तक का उन्होंने ख्याल रखा है, साथ ही स्लम में रहने वाले लोगों को पट्टे दिए। पीसी शर्मा से उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल और इस बार की उम्मीदवारी पर बात की हमारे वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने। दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से इस बार फिर उम्मीदवार है पीसी शर्मा जी। यहां से वो विधायक हैं और पूर्व मंत्री कांग्रेस से रह चुके हैं, फिर लोगों के बीच में है, जनसंपर्क कर रहे हैं और इस बार फिर उम्मीदवारी उनकी तय है और लोगों के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं। और इस बार की उम्मीदवारी को लेकर हम उनसे बात करें, इस बार फिर आप उम्मीदवार हैं कांग्रेस से दक्षिण पश्चिम के, और कौन से काम है जिनको लेकर अब वापस आप जनता के बीच जाएंगे? आपने जो काम किए हैं विधायक रहते हैं वो तो लोगों के सामने होंगे ही, लेकिन और भी चुनौतियां होंगी, और भी सारी चीजें होंगी, वो क्या होंगी? देखिए, 5 साल के लिए इलेक्शन हुआ था, लेकिन हमको मिले 3 साल ही, 2 साल कोविड में चले गए, क्योंकि इसमें भी हमने विधानसभा क्षेत्र में जो भी जनता की आकांक्षाएं थी उनको लगभग पूरा करने की कोशिश की हो, चाहे सड़क हो, चाहे संजीवनी हो, चाहे महिला प्रोटेक्शन के लिए कैमरेज हो और आईसीयू हो, एम्बुलेंसेज हो, और इस तरह के जो और भी आकांक्षाएं थी लोगों की, उन सबको पूरा करने की कोशिश की है। और 24 घंटे के बीच में रहा हूँ, जब जिसने जहाँ बुलाया वहाँ पहुँचे हैं। मूलभूत सुविधाओं की बात करें शर्मा जी, तो सड़क, बिजली, पानी और छोटी छोटी समस्याएं जो आम नागरिकों की होती हैं, वो भी आपके पास लेकर कई बार लोग आते हैं, कितना आप उनको कर पाए पूरा और कितना अभी बाकी है जो इस बार अगर आप जीतते हैं तो निश्चित ही उन्हें पूरा करेंगे? देखिए, ये विधानसभा में सड़क, बिजली और उसकी इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर हम अब आगे ये कोशिश करेंगे कि जो स्लम्स एरियाज में, फॉर एग्जाम्पल ये वार्ड 46 में है, ऋषि नगर है, इसका पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाया था, 8 मंजिला बिल्डिंग बने स्लम्स के लिए, और इनकी कामयाबी एक ही है कि इन्होंने खरीद फरोख करके कमला जी की सरकार गिरा दी, जिसका बदला जनता अब लेगी। चलिए, बिल्कुल। तो ये तो थे पीसी शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपने क्षेत्र में विकास कार्य कर रहे हैं और निरंतर वो जनता के बीच में हमेशा रहते हैं। स्लम्स की उन्होंने बात की, बेरोजगारी की बात की, महिलाओं की बात की, तमाम चीजों को लेकर वो फिर उम्मीदवारी यहां जता रहे हैं और निश्चित ही उनको विश्वास है कि इस बार वो ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ जीतेंगे और जनता के जो विश्वास है उस पर खरा उतरेंगे। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV24 भोपाल।